नमस्कार। पीएसएम के इस नए टॉपिक में हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। हम यहां पर तीन अलग अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, एड्स, टीबी और मलेरिया के बारे में। यहां पर हम शुरुआत करेंगे टीबी से, बाद में हम एड्स पर जाएंगे, उसके बाद हम मलेरिया पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर आरएनटीसीपी से। आरएनटीसीपी जिसका फुल फॉर्म है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। आरएनटीसीपी ने ही डॉट्स प्रोग्राम लेकर के आया था, DOTS, जिसका स्लोगन था पूरा कोर्स पक्का इलाज। इसमें डॉट्स एक्चुअल में शॉर्ट वर्ड्स हैं, यह डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स का एक शॉर्टकट है। तो यहां पर हम बात करेंगे आरएनटीसीपी को ध्यान में रखते हुए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ हम टीबी और उससे एसोसिएटेड डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी लागू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक टीबी का सवाल, दुनिया भर में 10.4 मिलियन केसेस हैं, जिसमें से इंडिया में 2.6 मिलियन, ये मिलियन का डेटा है, 10.4 मिलियन केसेस ओवरऑल पूरे वर्ल्ड्स में है, जिसमें से 2.6 मिलियन केसेस इंडिया में है, यानी दुनिया का हर चौथा इंसान इंडिया से बिलोंग करता है। आप समझ सकते हैं 25% केसेस, या अगर एग्जैक्टली कहें तो 23% केसेस के लिए हमारा देश जिम्मेदार है। ट्यूबरक्लोसिस को मोटे तौर पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। इसमें पल्मोनरी टीबी में प्राइमरी डिजीजेस, सेकेंडरी डिजीजेस, ये दो टाइप्स हैं, जबकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी जहां पर हम लंग से अलग बात करेंगे, तो लिम्फ नोड की टीबी, प्लूरल टीबी, अपर एयरवे की टीबी, स्केलेटल टीबी, जीआई की टीबी, यूरिनरी टीबी, इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी कहते हैं, जेनाइटो यूरिनरी टीबी भी होता है, मिलेरी टीबी, ट्यूबरकुलस, मेनिनजाइटिस और भी बहुत सारे फॉर्म्स इसके अवेलेबल हैं। तो जहां हम डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स दे रहे हैं, इसमें से पल्मोनरी टीबी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, लगभग 85% केसेस पल्मोनरी टीबी के होते हैं, जो रिमेनिंग 15% केसेस होते हैं वही एक्स्ट्रा पल्मोनरी होते हैं। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में भी लिम्फ नोड की टीबी सबसे ज्यादा कॉमन होती है। यही वजह है कि जब हम टीबी के केसेस को देखने की कोशिश करते हैं तो हम बेसिकली फोकस करते हैं पल्मोनरी टीबी पर, क्योंकि यही मैक्सिमम केसेस इसी के मिलते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केवल 15% मामलों में मिलता है, जिसमें सबसे कॉमन लिम्फ नोड की टीबी होती है। याद रखना है ट्यूबरक्लोसिस के केसेस मेल्स में ज्यादा देखे गए हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। टीबी से जुड़ी हुई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे टीबी का इंसिडेंस कितना है, इंसिडेंस का मतलब नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने हैं, इसी तरीके से टीबी की प्रिवेलेंस कितनी है, टीबी की मोर्टेलिटी कितनी है, इन सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, मोर्टेलिटी, रिकरेंस, ये कॉमन टर्म्स जो एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं उनको थोड़ा सा समझ लें। इंसिडेंस का मतलब आप इस इमेज से समझ सकते हैं नंबर ऑफ न्यू केसेस। दूसरी बात प्रिवेलेंस की, प्रिवेलेंस का मतलब होता है न्यू प्लस एक्सिस्टिंग केसेस, यानी न्यू प्लस ओल्ड केसेस। देखिए न्यू है और ऑलरेडी ओल्ड केसेस हैं। मोर्टैलिटी, इसमें से जो कम हो जाएंगे वो मोर्टैलिटी के बारे में जानकारी देंगे। वहीं जब आप रिकरेंस की बात करते हैं तो जो ठीक हो जाते हैं वो दोबारा इसी में आकर के ऐड हो जाएंगे, तो रिकरेंस भी इसी से जुड़ा हुआ टर्म है। आप समझ सकते हैं इंसिडेंस के बारे में पूछा जाए नंबर ऑफ न्यू केसेस, टीबी के कितने होंगे, तो डेटा के अकॉर्डिंग 1 लाख में 167 केसेस, यानी 167 न्यू केसेस पर लाख पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। प्रिवेलेंस कितना है, प्रिवेलेंस है 195 केसेस पर लाख पॉपुलेशन। मोर्टेलिटी कितना है, 17 केसेस पर लाख पॉपुलेशन। तो इंसिडेंस, प्रिवेलेंस जिसमें ओल्ड
और न्यू दोनों ही केसेस की बात करेंगे. याद रखना है इंसिडेंस 167 केसेस पर लाख पॉपुलेशन, प्रिवेलेंस 195 केसेस पर लाख पॉपुलेशन और मोर्टेलिटी 17 केसेस पर लाख पॉपुलेशन. ये सारे डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं. इसके अलावा यहां टीबी के ट्रीटमेंट के साथ जो प्रॉब्लम है उसको भी ध्यान में रखना है. टीबी के इलाज के दौरान बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जो कि ड्रग रेसिस्टेंट केसेस होते हैं, जिसमें एमडीआर टीबी, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के केसेस. कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमडीआर टीबी के जो मामले होते हैं वो न्यू केसेस में कितने देखने को मिलते हैं और रीट्रीटमेंट के केसेस में कितने लोगों में एमडीआर टीबी होने के चांसेस होते हैं. तो एवरेज देखा गया है न्यू केसेस में 2% टीबी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एमडीआर टीबी के मामले होते हैं. तो आप समझ सकते हैं टीबी के अगर 100% आए नए पेशेंट्स हैं उनमें 2% ऐसे पेशेंट्स होंगे जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट होंगे. इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का दोबारा ट्रीटमेंट करना पड़ा. ऐसे लोगों में 100 लोगों के लिए जब 100 लोगों में देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें 15 लोग ऐसे हैं जो एमडीआर के केसेस हैं. वैसे तो दुनिया में टीबी को समाप्त करने के लिए, टीबी को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरीके के रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन समस्या यही है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस की. इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने समय समय पर तमाम तरीके के ड्रग्स डिजाइन किए हैं इस एसिड फास्ट बैसिलाई की समस्या को खत्म करने के लिए. यहां एमडीआर टीबी किसे कहते हैं इसको भी समझ लें. एमडीआर टीबी ऐसा केस होता है जिसमें स्पुटम पॉजिटिव है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन का ऐसा केस जो रेसिस्टेंट है एटलीस्ट आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन के लिए. तो ऐसे मामले जो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन के लिए एटलीस्ट रेसिस्टेंट होते हैं वो एमडीआर टीबी के केस माने जाते हैं. इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है, इसी का एक सबसेट है एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एक्सडीआर टीबी. इसमें आर और एच यानी आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन के लिए रेसिस्टेंस के अलावा किसी फ्लोरोक्विनोलोन्स और सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग्स के लिए भी रेसिस्टेंट केसेस होते हैं. तो यहां आर और एच यानी आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन के अलावा फ्लोरोक्विनोलोन्स और सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग्स के लिए भी रेसिस्टेंस अगर हो जाए तो वो एक्सडीआर टीबी का केस कहलाता है. सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग्स में कैनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, एमिकासिन शामिल किए गए हैं. यही वजह है कि आप एमडीआर टीबी जिसमें आप आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन के मामलों को देखते हैं एक्सडीआर में एमडीआर के अलावा सेकेंड लाइन ड्रग्स के लिए भी रेसिस्टेंस होता है. इसमें किसी फ्लोरोक्विनोलोन्स और सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग्स के लिए रेसिस्टेंस होने की कंडीशंस देखी गई है. यही वजह है कि दुनिया में इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस अब डेवलप होते जा रहे हैं. डेटा की बेसिस पर याद रखना है कि अगर नए 100 टीबी के पेशेंट्स आते हैं तो उसमें एवरेज 2% केसेस ऐसे होंगे जो एमडीआर के होंगे. रीट्रीटमेंट का कोई पेशेंट आया जिसे पहले टीबी था, इलाज हुआ, ठीक हो गया था, उसके बाद वो दोबारा उसको टीबी हुई, तो ऐसे मामलों में 100 टीबी के केसेस लिए जाए तो उसमें लगभग 15 ऐसे लोग होंगे जिनमें टीबी एमडीआर की कैटेगरी की होगी. तो इस तरीके से एमडीआर टीबी के मामले याद रखने हैं. दुनिया में टीबी के होने के चांसेस जैसे जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजे जैसे एचआईवी और टीबी का को इन्फेक्शन के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे एचआईवी के कारण इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और टीबी के केसेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं. एचआईवी में इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से मोस्ट कॉमन जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है वो पल्मोनरी टीबी का होता है. यहां देखा गया है कि 3 अगर
एचआईवी के पेशेंट्स हैं यानी एड्स के पेशेंट्स हैं जो एचआईवी इन्फेक्टेड हैं, उनमें से वन को एटलीस्ट टीबी होगा ही। और इसमें भी ये देखा गया है कि एचआईवी के इन्फेक्शन में जो सबसे ज्यादा डेथ होने का कारण होता है वो टीबी की वजह से होता है। यहां याद रखना है कि 1/3 जो डेथ होते हैं एचआईवी के पेशेंट्स में, वो अधिकतर मामलों में 1/3 जो केसेस हैं उनमें डेथ का कारण टीबी होता है। एड्स का पेशेंट आप जानते हैं इम्यूनिटी कम होने की वजह से टीबी के लिए काफी प्रोन हो जाते हैं और उनकी डेथ का सबसे बड़ा कारण भी टीबी ही होता है। इतना ही नहीं, डायबिटीज और क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के मामलों में भी इसके होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। टीबी ह्यूमन टू ह्यूमन होने वाली एक बड़ी ही गंभीर बीमारी है। याद रखना है कि कोई नया केस अगर है टीबी का, जिसको अगर आपने समय से ट्रीट नहीं किया, तो वो 10-15% पॉपुलेशन को हर साल अपना इन्फेक्शन फैलाता रहेगा। यहां तक कि टीबी का केस डायबिटीज के पेशेंट्स में 3 गुना ज्यादा रिस्कियर होते हैं। आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स में टीबी का रिस्क 3 गुना ज्यादा होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में इसका रिस्क और ज्यादा होता है, 10-15 times ज्यादा रिस्क होता है। कोई नया केस है, उसका अगर ट्रीटमेंट समय से शुरू नहीं किया गया, तो वो 10-15% पॉपुलेशन को, यहां परसेंट में है ये, 10-15% पॉपुलेशन को हर साल अपना इन्फेक्शन फैलाता रहेगा। यही वजह है कि हमने टीबी के लिए बहुत ही अलग से प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, हमारे देश में इसके लिए अलग से स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया गया। शुरुआती दौर में एनटीपी शुरू किया गया, बाद में इसे आरएनटीसीपी कर दिया गया। स्टार्टिंग में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम शुरू किया गया था, एनटीपी, नेशनल टीबी प्रोग्राम या नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसे बाद में बदल करके आरएनटीसीपी कर दिया गया। अब सवाल यह है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो याद रखना है, एनटीपी नेशनल टीबी प्रोग्राम में डायग्नोसिस बनाने के लिए चेस्ट एक्सरे की मदद ली जाती थी, जबकि ये देखा गया आरएनटीसीपी में, इसको बाद में चलकर रिवाइज करके जब आरएनटीसीपी लागू किया गया, तो इसमें डायग्नोसिस बनाने के लिए स्पुटम एग्जामिनेशन की मदद ली गई। आरएनटीसीपी में स्पुटम की मदद से हम डायग्नोसिस बनाते हैं। ट्रीटमेंट एनटीपी में, यानी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में, ट्रीटमेंट हर दिन दिया जाता था, जबकि आरएनटीसीपी में डॉट्स की टेक्निक अपनाई गई, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स, जिसमें पर्सन खुद सेंटर पर आते हैं और वो सामने दवा को खाते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने तमाम सेंटर्स खोले डॉट्स, जिसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स का नया प्लान स्टार्ट किया गया। आरएनटीसीपी का ये नया इनिशिएटिव था, जिसका स्लोगन था पूरा कोर्स पक्का इलाज। इसमें ट्रीटमेंट हर दिन नहीं देते थे, हफ्ते में 3 दिन देते थे, तो ये अल्टरनेट थेरेपी था, जबकि एनटीपी में हर दिन डेली थेरेपी दी जाती थी। यहां पेशेंट को सामने दवा दिया जाता है, यहां डेली थेरेपी दी जाती थी। ये हिस्टोरिकल पॉइंट था, इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि एनटीपी की बजाय हमें आरएनटीसीपी पर जाना पड़ा? तो एक्चुअल में यहां फॉल्ट था डायग्नोसिस के लेवल पर एनटीपी में, यहां प्रॉब्लम था डायग्नोसिस बनाने में, क्योंकि केवल 30% मामले को ही हम डिटेक्ट कर पाते थे। इतना ही नहीं, हम केवल 30% लोगों को ही क्योर कर पाते थे, क्योंकि यहां डिफॉल्टर्स खूब मिलते थे, क्योंकि आपने दवा दे दिया, वो घर पे जाके खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं कुछ पता नहीं है। इसीलिए देखा गया प्रॉब्लम ऑफ 30% का एक रिसर्च मिला, जिसमें इसको एक नए टर्म के रूप में आपको याद रखना है, प्रॉब्लम ऑफ 30%। ये प्रॉब्लम ऑफ 30% केस क्या है? चेस्ट एक्सरे की मदद से केवल डिटेक्शन रेट 30% का ही था। इतना ही नहीं, क्योर रेट भी 30% का ही था, और
चूंकि सारे लोगों में डिटेक्ट नहीं हो पाता था, सभी लोग ठीक भी नहीं हो पाते थे, तो यहाँ डेथ रेट भी बहुत हाई था। एनटीपी प्रोग्राम के लागू करने के बावजूद डेथ रेट 30% था, तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी समस्या थी। डिटेक्शन भी केवल 30% लोगों का हो पाता था, उसमें से केवल क्योर 30% लोग हो पाते थे, और अधिकतर पॉपुलेशन यानी लगभग 30% लोगों की डेथ हो जाती थी। इसीलिए हमारी सरकार ने इसके लिए 1997 में आरएनटीसीपी को स्टार्ट किया। इसका पहला फेज 1997 से लेकर 2006 तक चला। इसके बाद इसका दूसरा फेज आया। पहला फेज डॉट्स का था, जो कि 1997 से लेकर 2006 तक था। इसके बाद इसका दूसरा फेज 2006 से लेकर 2012 तक आया, जिसे हम डॉट प्लस कहते हैं। ये डॉट्स प्लस क्या है? डॉट प्लस एक्चुअल में ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के मामलों को ट्रीट करने की स्ट्रेटजी थी। डॉट्स प्लस की स्ट्रेटजी फेज टू में 2006 से लेकर 2012 के फेज में लागू की गई। यहां मकसद था ड्रग रेसिस्टेंट केसेस को भी ट्रीट करने का। इसके बाद 2012 से लेकर प्रेजेंट में इसका फेज थ्री चल रहा है। तो आरएनटीसीपी के करंट फेज कब से स्टार्ट हुआ है? फेज थ्री 2012 से, जिसका मकसद है क्वालिटी टीबी केयर, यानी हमें किसी भी केस को बहुत ही ध्यानपूर्वक ट्रीट करने है। यहां मकसद है कि कोई भी केस छूट न जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी ये जो गोल तय किए हैं फेज थ्री के, इसमें सीधे तौर पर मकसद है कि मॉर्टेलिटी को रिड्यूस किया जाए। इतना ही नहीं, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को भी इंटरप्ट किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन होने वाला एक ट्रांसमिशन है, जिसे रोकने की जरूरत है। इस गोल के तहत ऑब्जेक्टिव्स जो तय किए गए हैं, उसमें डिटेक्शन रेट 70% तक गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है। इस दौरान क्योर रेट की भी बात कही गई है, क्योर रेट 85% तक। याद रखना है, ये डिटेक्शन रेट और क्योर रेट जब आरएनटीसीपी शुरू की गई थी एनटीपी के बाद, तो एनटीपी में तो सब कुछ 30% था ना, डिटेक्शन भी 30% था, क्योर भी 30% था, इस वजह से 30% लोगों की डेथ हो जाती थी। आरएनटीसीपी के आने के बाद गवर्नमेंट ने अपना ऑब्जेक्टिव हायर लेवल पर रखा। अब नया टारगेट जो सेट किया गया, उसमें डिटेक्शन 70% तक किया जा सके, क्योर 85% तक लोगों का हो सके, ऐसा गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाई। और यह आरएनटीसीपी के शुरुआती दिनों का टारगेट था। शुरुआती दिनों में यह 1997 से 2006 तक जो फेज, जिसमें डॉट्स की स्ट्रेटजी अपनाई गई, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स चलाया गया, उसके कारण इसे अचीव कर लिया गया। यह आसानी से 1997 से के बाद जब आरएनटीसीपी को अप्लाई किया गया, तो इसको धीरे धीरे करके हम इस टारगेट को अचीव कर लिए। इसलिए 2012 में हमने इससे भी हायर नया टारगेट सेट किया। अब हमारा टारगेट है लगभग 90% केसेस को डिटेक्ट करने का, और क्योर रेट को भी एज हाई एज 90% तक ले जाने का। इसके लिए हमने एमडीआर टीबी के मामलों को भी ट्रीट करने की स्ट्रेटजीज बनाई हैं। स्पष्ट है कि जो एनटीपी था, उसके बाद आरएनटीसीपी लागू हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन का इफेक्ट ये रहा कि नए गोल जो सेट हुए, उसको गवर्नमेंट ने अचीव किया, और उससे भी हायर करंट गोल है जिसको हम अचीव कर लेंगे। आरएनटीसीपी की बड़ी समस्याओं में जो इसको अचीव करने में जो दिक्कतें आई, वो था ट्रीटमेंट फेल्योर, डिफॉल्टर्स, उन सारी चीजों पर भी ध्यान में रखा गया कि ट्रीटमेंट को सामने ज्यादा से ज्यादा हम उसे कंट्रोल कर सकें, और डिफॉल्ट रेट्स को जितना कम से कम हो सके उस लो लेवल पर लेकर के आए, लेस देन
5% केसेस डिफॉल्टर्स के हों, ऐसा गवर्नमेंट ने अपना टारगेट बनाया। यही वजह है कि अब क्योर रेट 90% तक हम अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी केसेस हैं वो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो लोग ट्रीटमेंट लेते थे उनके बारे में तो हमें जानकारी मिल जाती थी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर के ट्रीटमेंट लेने वाले लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया और उसके कारण प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने वाले पेशेंट्स को भी रजिस्टर किया गया निश्चय ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। निश्चय योजना टीबी के पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए भारत सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के रूप में स्टार्ट किया। इसे टीबी सर्विलेंस के लिए स्टार्ट किया गया ताकि सभी के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जितने भी केसेस हैं उन्हें मॉनिटर किया जा सके। इस सॉफ्टवेयर को मई 2012 को लॉन्च किया गया। मकसद था टीबी के बारे में एक्यूरेट और सही जानकारी प्राप्त की जा सके। मैंने आपको बताया है ये 7 मई 2012 को शुरू की गई एक सॉफ्टवेयर थी। टीबी से संबंधित कई क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। यहां किसी भी सिंगल केस को हम डिटेक्ट कर सके इसके लिए निश्चय ऑनलाइन पोर्टल शुरू की गई। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टेस्ट फॉर टीबी।